आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का। देखो इसमें क्या करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 3x-1, x-1, x-2, x-3। ठीक है, तो इसको हमने अलग करना है। वी कैन राइट इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड होता है जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, 3x-1 अपॉन x-1, x-2, x-3 इज इक्वल टू ए अपॉन x-1 प्लस बी अपॉन x-2 प्लस सी अपॉन x-3। ठीक है, इस इक्वेशन को आप 1 कंसिडर कर लो। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। राइट साइड में हम एलसीएम लेंगे, x-1, x-2, x-3। यहाँ पे x-1 पहले ही है, ये जो एक्स्ट्रा दो टर्म्स है हमारे पास x-2 और x-3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-2, x-3। अब यहाँ पे x-2 पहली है, तो इसके साथ x-1 और x-3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x-3 है, तो इसके साथ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई, x-1 एंड x-2। अब देखो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था, 3x-1 अपॉन x-1, x-2 और x-3। ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। देखो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो जो कॉफिशेंट्स दे रखे हैं, ये x-2 है, तो यहाँ एक बार मैं पहले x को 2 पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 2। आप इस इक्वेशन को नेम कर दो इक्वेशन 2, पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब मैं x को 2 पुट करूँगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 3 × 2 − 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स x-2। एक्स को हमने क्या पुट किया, 2, तो 2 − 2, यहाँ पे 2 − 3 प्लस बी 2 − 1, 2 − 3 प्लस सी 2 − 1, 2 − 2। अब देखो 2 − 2 ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सी वाली टर्म 2 − 2 0, तो ये वाली टर्म भी 0। बचेगा क्या, बी 2 − 1 1, और 2 − 3 क्या बना, −1। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट किया था 2, 3 × 2 6 − 1 5, तो 5 किसके इक्वल आ गया, −b के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1 × −1 −1, −1 को b से किया, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास −5। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। अब देखो बाकी की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। यहाँ पे अब एक वैल्यू मैंने पुट करी थी 2, अब अगले वाले में आप 1 पुट कर दो, ताकि b एलिमिनेट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। जब मैं x को 1 पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर, तो 3 × 1 − 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ए एक्स की जगह पे 1 पुट किया, 1 − 2 1 − 3 प्लस बी 1 − 1 1 − 3 प्लस सी 1 − 1 × 1 − 2। अब देखो कौन कौन सी टर्म 0 हो रही हैं, 1 − 1 0, तो ये सेंटर वाली टर्म 0 होगी, 1 − 1 0, ये वाली टर्म भी 0, तो ये वाली ए टर्म बचेगी मेरे पास। ये बन गया 3 − 1 2, और ये क्या बन गया, 1 − 2 −1 और 1 − 3 −2। ठीक है, तो −× − प्लस होता है, 2 इज इक्वल टू 2 है, और ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। ठीक है, हमने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू, और अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, सी की। ठीक है, देखो सी की वैल्यू का क्या करेंगे, सी
सी की वैल्यू के लिए अब मुझे क्या पुट करना पड़ेगा। सी की वैल्यू के लिए देखो, हमने पहले पुट किया था एक्स वन, ठीक है, तो अब हमें एक्स को 3 पुट करना है। देखो कैसे, ये 3 - 3 0 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 3 - 3 0 बन जाएगा। तो पुट एक्स इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। जब हम एक्स को 3 पुट करेंगे तो 3 * 3 - 1 इज इक्वल टू 8 times 3 - 2, 3 - 3 + b, 3 - 1 3 - 3 + c, 3 - 1 3 - 2। अब देखो ये वाली टर्म 0 होगी पूरी, क्योंकि 3 - 3 0 होता है, तो ये तो हो गया 0, यहाँ पे भी 0 बन गया। अब मेरे पास c वाली टर्म बची, 3 - 1 2 और 3 - 2 1, और यहाँ पे क्या बना, 3 * 3 9 - 1 8। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 8/2, ठीक है, 4 आ जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमारा ये जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगी, ए की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 1 1/x - 1, बी की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ -5/x - 2, और सी की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ए बी और सी में आ गई। हमने ये इंटीग्रल लिया था ना इस फॉर्म में, ए बी और सी के फॉर्म में, तो अब ए बी सी की वैल्यूज हमारे निकाल ली है। अब देखो इंटीग्रल के अंदर जो ये वाली वैल्यूज थी, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, मतलब इसके साथ पूरे के पूरे इंटीग्रेशन आएगी, ठीक है, और साथ में dx, ठीक है, इंटीग्रल में dx तो आता ही है। अब देखो इसके अलग अलग इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, 1/x - 1 dx + इंटीग्रेशन ऑफ -5/x - 2 dx + इंटीग्रेशन ऑफ 4/x - 3 dx। अब 1/x - 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, log mod x - 1। अच्छा ये -5 बार आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1/x - 2, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log x - 2 + 4 कॉन्स्टेंट है वो बार आ गया। 1/x - 3 की इंटीग्रेशन होगी log x - 3 + c, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या करना था, सभी टर्म्स को अलग अलग कर देना है जो हमारे डिनोमिनेटर है। बस ये याद रखना कि ये जो पावर है, जैसे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये बनता है x³, और वहाँ पे एक्स की पावर 1 है, हमेशा डिग्री डिनोमिनेटर की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लग जाता है, ठीक है, नहीं तो लगेगा नहीं, हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट 3x + 5 upon x³ - x² - x + 1 dx। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो डिनोमिनेटर में इसको लेट कर लो i, 3x + 5 अपॉन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x², तो क्या बना, x - 1, यहां से -1 कॉमन ले लिया तो बना x - 1 dx। यहां से x - 1 कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास x² - 1 dx। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो, x - 1 a² - b² होता है a - b * a + b,
तो ये मेरे पास आ गया 3x+5 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर इंटू x+1 dx। ठीक है, अब देखो नीचे आ गया स्क्वेयर, तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी कि इसको हम कैसे स्प्लिट करें। इसमें हम x माइनस वन को भी लिखते हैं और x माइनस वन के स्क्वेयर को भी लिखते हैं। ठीक है, देखो वी कैन राइट द इंटीग्रेंड एज, जैसे ये है हमारे पास, तो 3x+5 अपॉन एक्स माइनस वन का ये क्या स्केयर है ना, x+1 है ना, x माइनस वन का स्केयर था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का स्केयर प्लस c अपॉन x+1। ठीक है, ध्यान रखना कि x माइनस वन के स्केयर को पहले आपने सिंगल x माइनस वन लिखना है, फिर x माइनस वन का स्केयर लिखना है। ठीक है, और वो लास्ट वाला x प्लस वन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब वही सेम स्टेप हमें एलसीएम लेना है। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x माइनस वन यहाँ पे स्केयर है, तो हम स्केयर वाली टर्म का यूज़ करते हैं और यहाँ पे x प्लस वन एलसीएम। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब ऊपर देखो ए, यहाँ पे x माइनस वन था तो मल्टीप्लाई किस किस से होगा, x माइनस वन से होगा क्योंकि यहाँ स्क्वेयर था, और x प्लस वन से भी होगा। b के साथ x माइनस वन स्क्वेयर पूरा आया हुआ है, तो b के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस वन। अब c वाले केस के अंदर x प्लस वन है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन के स्क्वेयर के साथ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही रहेगी, 3x+5 अपॉन x माइनस वन का स्क्वेयर x+1, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल। ठीक है, डिनोमिनेटर कैंसिल ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ज़रा आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ क्या पुट करनी है। सबसे पहले मैं एक्स को वन पुट कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन दे लो, इक्वेशन नंबर, ये वाला इंटीग्रल को हमने लेट किया था इस फॉर्म में, 3x+5 x-1 का स्क्वेयर, इसको कंसीडर करोगे ये वाले पार्ट को इक्वेशन वन और इस वाले पार्ट को इक्वेशन टू कंसीडर कर लो। ठीक है, तो पुट एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैं वन पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे वन पुट किया, वन माइनस वन, वन प्लस वन, प्लस बी वन प्लस वन, और सी वन माइनस वन का स्केयर। अब देखो 3+5 ये बन गया 8, यहाँ पे 1-1 0, तो सारे ही 0 हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा 2b और ये क्या बन गया 0। ठीक है, 0 का स्क्वेयर 0 और ये मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8/2 4। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 4। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे एक्स को वन पुट किया, अब एक्स को मैं -1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, उससे हमारा बी वाला एलिमिनेट हो जाएगा और -1, हाँ ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक्स को अब मैं लूँगा -1, तो इक्वेशन ये वाली मिटा देता हूँ, 3x-1 का स्क्वेयर, हाँ इंटीग्रल तो इसी फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ, अब देखो पुट एक्स इक्वल टू -1 इन इक्वेशन टू, इस इक्वेशन के अंदर जब मैं -1 पुट करूंगा तो 3 × -1+5 इज इक्वल टू ए -1 -1 -1+1 प्लस बी -1+1 प्लस सी -1 -1 का स्केयर। ठीक है, 3 × -1 -3+5, ये क्या बना, -1+1 0 बन गया, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, ये बना -1+1 0, और सी -1 -1 -2 का स्केयर बन गया 4, तो ये हो गया 4c।
फाइव माइनस थ्री बन गया टू, और सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, टू अपॉन फोर वन बाय टू। ठीक है, ये आ गई हमारी सी की वैल्यू वन बाय टू। अच्छा अब देखो, हमारे पास बी निकल चुका है, सी निकल चुका है, अब क्या करें, ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं इसमें अब एक्स को ज़ीरो पुट कर रहा हूँ। अब देखो एक्स को ज़ीरो क्यों पुट किया, एक्स को ज़ीरो पुट करने पे मेरे पास ना ये एक्स पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, और ए बी और सी की वैल्यू मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि बी की वैल्यू मेरे को पता है, सी की वैल्यू पता है, तो बी और सी की जगह पे वो पुट करके मैं ए निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक्स पूरा का पूरा ही एलिमिनेट कर दो। तो एक्स को मैंने ज़ीरो पुट किया इन इक्वेशन टू, तो इस इक्वेशन में जब मैंने पुट किया तो थ्री इंटू ज़ीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू, अब देखो एक्स को ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो ए ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू ज़ीरो प्लस वन और सी ज़ीरो माइनस वन का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब ये तो हो गया ज़ीरो, ये बना ज़ीरो प्लस फाइव फाइव, यहाँ पे माइनस वन और इधर है वन, तो माइनस वन को वन से करूँगा तो माइनस वन, ये आ जाएगा माइनस ए। अच्छा ए की वैल्यू क्या है अब हमारे पास, वो निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखो बी, बी की वैल्यू है फोर, तो अगर मैं फोर पुट करूँ तो फोर इंटू वन क्या बनेगा, फोर। ठीक है, अब सी की वैल्यू थी हाफ, तो सी की वैल्यू हाफ, और हाफ को अब देखो माइनस वन का स्क्वेयर क्या होता है वन, तो यहाँ पे हाफ को वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, प्लस वन बाय टू ही बनेगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए माइनस का आया तो ए को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, और ये फोर प्लस वन बाय टू माइनस फाइव इधर, तो फोर, ये एलसीएम लूँगा, टू टू फोर ज़ा एट, एट प्लस वन, एट प्लस वन, टू फाइव ज़ा टेन, नाइन माइनस टेन माइनस वन बाय टू, तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, माइनस हाफ, ए इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब बस अब हमें इंटीग्रल में वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमें इंटीग्रल में यही चाहिए था, थ्री एक्स प्लस फाइव, इसी को हमने सॉल्व किया सारे को, बस अब वैल्यूज पुट करनी है हमने। अच्छा ये सी की वैल्यू थी हाफ, बी की वैल्यू फोर और ए की वैल्यू माइनस हाफ, पहले मैं ये लिख लेता हूँ वैल्यूज। ठीक है, जो इंटीग्रल है थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, ए अपॉन, ए क्या था हमारे पास, माइनस हाफ, माइनस हाफ, और साथ में क्या है, एक्स माइनस वन, प्लस बी, बी की वैल्यू फोर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वन बाय टू, सी की वैल्यू आई वन बाय टू, और साथ में था एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इस पूरे की इंटीग्रेशन करनी है हमने, वैल्यूज हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके अलग अलग कर लिया इसको, बस अब सिंपल इंटीग्रेशन है। मेन काम होता है ए बी और सी निकालना, अगर वो ठीक निकल गया तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी। अब देखो इनको अलग अलग कर दो, माइनस वन बाय टू कॉन्स्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो बचा क्या, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, प्लस फोर अलग हो गया इंटीग्रेशन में, बचा वन माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वेयर, प्लस वन बाय टू बार इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी, माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस फोर, अब यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे पावर आगे तो ये ऊपर जाएगी, एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू बन गया ये। ठीक है, और ये बन गया हाफ लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये तो आ गया माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस वन प्लस फोर, अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे हाफ लॉग एक्स प्लस वन, अब सिर्फ मैं इस पार्ट की कर रहा हूँ, बाकी तो वैल्यू सेम ही लिखनी है, माइनस टू प्लस वन बन जाएगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस फोर
एक्स माइनस वन की पावर, माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको आंसर को, माइनस हाफ लॉग एक्स माइनस वन माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये आंसर आ गया। मेन काम था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से ए बी और सी निकालना। जब ए बी और सी निकल जाएगा तो उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करनी होती है और हमारा आंसर आ जाएगा। आपको टाइप जज करनी होती है इसमें कि कौन सा फ्रैक्शन है, जैसे कि यहाँ पे अब स्केयर आ गया था तो उसको कैसे सेपरेट करना है। ये बुक में आपको फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, उसको आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस टाइप में लिखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।